एनबीटी में आज कहेंगे कि राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो भी लीडर है जो मुद्दे उठा रहे हैं वो आप भी उठाएंगे, आप भी उसको पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इसके लिए कानून आए, या आप भी फिर वही चाहते हैं कि जी शिक्षा के साथ में ही कानून ना लाया जाए, शिक्षा से ही ये व्यवस्था सुधरेगी? देखिए दोनों चीजें हैं। चीन ने एक बच्चे का कानून लागू किया, खाली शिक्षा से नहीं चीन में आबादी की कंट्रोल हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि नौजवान पीढ़ी हमारी खत्म हो रही है, ओल्ड ज्यादा हो रहा है, तब उन्होंने दो बच्चे अलाउ करे। हम ये नहीं सोच पा रहे कि अरब कंट्री में वहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन सारी है जी, लेकिन वहां आबादी क्यों नहीं बढ़ रही? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर आप तुलना कर लें तो हिंदुस्तान का अर्थ पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से अलग हुआ, उस पाकिस्तान को भी आजादी के उत्तर वर्ष हुए और हिंदुस्तान को भी आजादी के उत्तर वर्ष, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी, पाकिस्तान की आबादी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। उसका कारण भी हम लोगों को जानना चाहिए, तो कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, तो उस धर्म का जो अरब कंट्री है वहां पर आप देख लीजिए उतनी जनसंख्या कम। मतलब नरेंद्र जी मैं सीधे सीधे कहूं तो मतलब आपके कहने का ये है कि जैसे कहा जाता है कि अगर बच्चे हो गए तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, इनको हम अब हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपका कहना है कि अरब कंट्रीज भी तो आपकी पूरी पूरी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है शिक्षा का कम, आपके कहने का मतलब शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। मान रहा हूं कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा पूरी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। हमारी सरकार ने बड़ी कोशिश की, गाँव गाँव में स्कूल खोले, लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले, उनके लिए वहाँ पर नाश्ते खाने का भी प्रबंध किया, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की चाहिए। लड़की बड़ी होती लोगों को चिंता होने लगती कि हम कैसे इसका ब्याह करें, और सरकार एक बोझ उतार दे जो लोग सोचते, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जरूर दिखाई देता है। और मेरा मानना है कि लड़की और लड़का समाज के दो पौधे पाई हैं, अगर लड़की को भी हम पढ़ाएंगे तो ये जो पॉपुलेशन की बढ़ोतरी है ये अपने आप कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और कुछ राज्यों में आप देखिए, केरल में 100% एजुकेशन है, वहाँ आबादी उतनी नहीं बढ़ रही है, तमिलनाडु में उतनी आबादी नहीं बढ़ रही है, तेलंगाना देख लीजिए उतनी आबादी नहीं बढ़ रही, नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए अपना पूरा, वहां भी कहां आबादी बढ़ रही है। तो फिर इन नॉर्थ के राज्यों में जो आबादी बढ़ रही है इस पर चिंता हमें व्यक्त करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ पार्ट में नहीं आबादी बढ़ रही और कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है, और धीरे धीरे खेत भी कम होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ रही तो बच्चों को रहने के लिए मकान भी चाहिए, तो जो जुताई का रकबा है वो भी कम होता जा रहा है, और इससे बड़ी समस्या जो हमें दिखाई दे रही है।